हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में इसका जो Q4 का रिजल्ट जारी होना था वो फिलहाल रात में लगभग 10 बजे के आसपास जारी होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो पॉजिटिव निकल के दिया है या निगेटिव। इन सब चीज़ों पर हम विधिवत चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जब आज मार्केट खुले तो इस रिजल्ट को मार्केट कैसे लेता है, क्या ये पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देता है या निगेटिव। साथ ही साथ इसके मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव देखे गए हैं, उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। और एक और न्यूज इसके संदर्भ में निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, और जो मार्केट ओपन था उसी समय ये न्यूज आती हुई दिखाई दी थी, वो फिलहाल ये जो कंपनी है USA बेस्ड एक और कंपनी का 100% एक्विजिशन करने के लिए एक जो फाइल जारी करते हुए दिखाई दे रही है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 29 तारीख का डेट पड़ा हुआ है, और ये जो है आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या क्या फैसला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है वो फिलहाल ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो जारी उन्होंने किया है, इसमें न केवल स्टैंड अलोन ये डेटा जारी किए हैं बल्कि कंसोलिडेटेड डेटा भी ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें हम जो कंसोलिडेटेड डेटा है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो सब्सिडरीज कंपनियाँ होती हैं उसका तो डेटा शामिल होता ही है, साथ ही साथ स्टैंड अलोन से संबंधित डेटा भी इसमें शामिल होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें कुछ अपॉइंटमेंट को अप्रूवल भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें जी मानसे एंड एसोसिएट्स हैं वो फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट पे पद पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये फिलहाल इंटरनल ऑडिटर के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देंगे, जिनका टेन्योर 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा जो MS कुमार जी एंड कंपनी है वो फिलहाल वो प्राइसिंग कंपनी ऑफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनका भी जो टेन्योर होने वाला है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ही होता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा ये जो तीसरा एक और अपॉइंटमेंट ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मिसेज जो नीरज कुमार एंज जो विश्व वर्मा जी हैं वो फिलहाल एसोसिएट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कास्ट अकाउंटेंट्स के पद पे ये काम करते हुए दिखाई देंगे, और कॉस्ट ऑडिटर ये होते हुए दिखाई देने वाले हैं, और इसका भी जो टेन्योर होने वाला है फिलहाल 24-25 तक होता हुआ दिखाई देने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके संदर्भ में जो बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी वो 7 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक होते हुए देखने को मिली थी। इसका Q4 का रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा सा बात कर लें इसके सब्सिडरीज कंपनी की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसकी जो पहली सब्सिडरी कंपनी बनते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल शशि बेरीवाल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होते हुए देखने को मिल रही है। जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है वो जेनेसिस गैस प्राइवेट जो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है वो इसकी सब्सिडरी होते हुए दिखाई दे रही है, और इसके अलावा जो तीसरी सब्सिडरी है वो MSR जो अप्रैल प्राइवेट लिमिटेड है वो इसकी सब्सिडरी कंपनी बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा 2-3 ऐसी सब्सिडरी कंपनियाँ और हैं पे ये फिलहाल उसको इस कंपनी ने अभी खरीदा है, जिसका भी डेटा आना बाकी है, और एक और सब्सिडरी कंपनी पे फिलहाल ये उसका 100% एक्विजिशन करने के लिए इसने फाइल भी कर दिया है। बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है वो दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, और ये जो सेगमेंट है ये फिलहाल मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट है, और ये जो भी डेटा ये दिए गए हैं सभी के सभी डेटा ये फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो कंपनी है इस Q4 में टोटल 13,154 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 9,927 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें करंट क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है 11,809 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम इसके टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस Q4 में 13,627 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 10,237 लाख का ही इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, तो जो कंपनी है 8,626 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी शानदार तरीके से प्रदर्शन करता हुआ देखने को मिल रहा है।
अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो वो फिलहाल इनकम के साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर फोर में ये जो कंपनी है टोटल 13,001 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 10,538 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 11,866 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसके एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इसमें वृद्धि होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो निकल के आती है वो ये कि इस कंपनी ने जो अपना टोटल एक्सपेंस किया है वो फिलहाल टोटल इनकम की तुलना में वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये जो कंपनी के बारे में आप आगे देखेंगे कि पॉजिटिव में अपना रिजल्ट पेश करता हुआ दिखाई देने वाला है। हम अगर बात करें इसके जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स है उसकी, अर्थात टैक्स देने से पहले और एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने से पहले इसका जो प्रॉफिट हुआ है उसके बारे में, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर फोर में टोटल 625 लाख का प्रॉफिट प्रदान करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 301 लाख का ये घाटे में जाती हुई दिखाई दी थी, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये लगभग 3240 लाख का ये घाटा दिखाते हुए नजर आई थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स जोड़ने से पहले जो इसका प्रॉफिट रहा है उसमें इस कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो ये जो कंपनी प्रॉफिट से घाटे में जाती हुई दिखाई देगी और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये फिलहाल 301 करोड़ से घट के 62 करोड़ इसका घाटा होता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो इसका जो घाटा है 3235 लाख से घट के ये फिलहाल 62 लाख से 63 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी ने जो फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आई थी वो फिलहाल घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। इसके पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आ रहा है वो ये कि इस कंपनी में जो 638 करोड़ का जो एक्सेप्शनल आइटम है वो घटाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर यह खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण ये फिलहाल कंपनी 62 से 63 करोड़ के घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है प्रॉफिट टैक्स में। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड की, तो ये जो कंपनी लॉस में भी जाते हुए दिखाई दे रही है और लॉस फॉर द पीरियड जो इस क्वार्टर में रहा है वो 202 का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लॉस फॉर द पीरियड होता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है उसमें जो टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो अदर एक्सपेंसेज होते हैं और साथ ही साथ जो टैक्स होता है उन सबको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो अपना लॉस फॉर द पीरियड दिखाया है वो 202 लाख का दिखाते हुए नजर आ रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 386 लाख का घाटा दिखाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो 2681 लाख का ये घाटा दिखाते हुए नजर आ रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त तरीके से अपने घाटे में कमी की है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी इस कंपनी ने जबरदस्त तरीके से अपना घाटा कम करते हुए देखने को मिल रही है। अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेस पे एकदम फ्लैट परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखाते हुए नजर आ रही है और ये माइनस में 0.03 के आसपास जहाँ पिछले मार्च 2023 के क्वार्टर फोर में थी वो इस क्वार्टर फोर में भी वैसे ही होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे इसके अर्निंग पर शेयर में जबरदस्त तरीके से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है और जहाँ माइनस में 0.20 के आसपास होते हुए दिखाई देती थी वो 0.03 के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर Q4 रिजल्ट का लबलुआ बची यही है कि इस कंपनी ने जो ये रिजल्ट पेश किया है वो फिलहाल जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था उसी हिसाब से पेश करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और हालांकि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और साथ ही साथ टोटल इनकम में तो जबरदस्त तरीके से वृद्धि दिखाई है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल आइटम बहुत ज़्यादा जुड़ने के कारण ये कंपनी फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस कंपनी ने अपने एक्सेप्शनल आइटम पर कंट्रोल कर लिया होता और टोटल एक्सपेंस जो है उस पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल दिखाती तो ये जो कंपनी है जबरदस्त तरीके से अपना रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई देती। इसलिए इसे हम अगर स्टार के रूप में देना हो तो 3 से 3.5 स्टार इसे देते हुए दिखाई देंगे।
अगर बात करें जो ये न्यूज निकल के सामने आई है मीडिया रिलीज के माध्यम से उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि विकास लाइफ केयर लिमिटेड ने एक फाइल सबमिट किया है। जो फाइल सबमिट करते हुए दिखाई दिए हैं वो फिलहाल, और यहाँ पे पूरा डिटेल से बताया जा रहा है कि ये इन्फॉर्म करने में बहुत खुशी हो रही है कि ई बिक्स को का 100% एक्विजिशन करने के लिए ये एक फाइल का सबमिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर जो कंसोर्टियम बना हुआ है जिसमें इराया लाइफ पास लिमिटेड कंपनी है जिसका सिंबल इराया है, अगर इस प्रपोजल को ये मान लेती है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो ई बिक्स है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी होते हुए दिखाई देती है, न केवल ये वैश्विक स्तर पर अपना कारोबार करती है बल्कि इंडिया में भी ये कारोबार करते हुए दिखाई देती है, इसको फिलहाल ये विकास लाइफ केयर की सब्सिडियरी कंपनी बनते हुए दिखाई देगी और वो भी 100% शेयर के साथ। ये जो प्रपोजल इन्होंने दिया है वो फिलहाल जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो बैंक करप्शन कोड है उसके तहत ये प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रही है। हम बात कर लें जो अबाउट इबेक्स कंपनी है उसके बारे में, तो ये जो कंपनी है सॉफ्टवेयर और ई कॉमर्स क्षेत्र में जब अपना सर्विस प्रदान करते हुए दिखाई देती है, साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है उसमें भी ये कंपनी अब सप्लायर बनते हुए दिखाई देती है। और ये न केवल इंडियन सप्लायर है बल्कि लीडिंग इंटरनेशनल सप्लायर होते हुए भी देखने को मिलती है। और ये जो सप्लाई करती है उसमें इन टू इन जो सोल्यूशन प्रदान करती है वो तो देती है, साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सचेंज में भी अपना सोल्यूशन प्रदान करते हुए दिखाई देती है, करियर सिस्टम में भी देती है, इसके अलावा जो एजेंसी सिस्टम और रिस्क जो कंप्लायंस सोल्यूशन है वो भी प्रदान करते हुए दिखाई देती है, जो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसमें, और इसके अलावा जो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलती है। और यहाँ पर आगे ये बता रहे हैं कि इस कंपनी के पास लगभग 320,000 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं पूरे साउथ ईस्ट जो एशियन नेशन हैं वहाँ पे, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो विस्तार है बहुत अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये लगभग 320,000 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है। और इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आगे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इंडिया का एयरपोर्ट है उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस होता है उसमें ये लीडर कंपनी के रूप में बन के उभरते हुए दिखाई देती है। और फिलहाल ये इंडिया में 32 इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स हो रहे हैं उस पर ये फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में लगी हुई है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो कंपनी अगर विकास लाइफ केयर लिमिटेड के साथ जुड़ते हुए दिखाई देती है तो जो गैस जेनेसिस कंपनी है उसी की तरह इस कंपनी को और टर्न अराउंड करते हुए दिखाई देने वाली है, जिसका फायदा न केवल शॉर्ट टर्म में मिलता हुआ दिखाई देगा बल्कि लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी यानी विकास लाइफ केयर लिमिटेड को अच्छा खासा फायदा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है लगभग 5,00,000 एजेंट्स के साथ काम करते हुए दिखाई देती है, और साथ ही साथ जो 18,000 लगभग ये रजिस्टर्ड कॉरपोरेट इसके क्लाइंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये आगे ये भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि लगभग 50+ ऑफिसेज जो हैं ये अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के साथ साथ यूएस और यूके में होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है बहुत ज़बरदस्त कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है। और अगर ये कंपनी वास्तव में अगर फुली सब्सिडियरी कंपनी बन गई विकास लाइफ केयर का तो उसका पूरा भविष्य ही बदलता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल 1% की तेजी के साथ जब मार्केट बंद हुआ था तो ₹5.05 पे बंद होते हुए दिखाई दी थी। हालांकि इसका जो न्यूज निकल के आना था एक्विजिशन से संबंधित वो आ गया था, जिसके बाद इसमें तेजी देखी गई थी, लेकिन जिसका Q4 का रिजल्ट जब मार्केट बंद होने के बाद जारी हुआ है तो इसका प्रभाव आज देखने को मिलेगा कि ये कैसे रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है। अगर ये कंपनी को मार्केट पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो हो सकता है इसमें तेजी आती हुई दिखाई दे जाए, लेकिन अगर निगेटिव लेता हुआ दिखाई देगा तो इसमें गिरावट भी आते हुए देखने को मिल सकती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें जो तेजी 1% की आई है ये फिलहाल ये ऐसे ही बने नहीं रहने वाली, इसमें आज हो सकता है कि गिरावट देखने को मिल जाए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण फिलहाल ये जो कंपनी घाटे में जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन और सब चीज़ों में ये कंपनी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ टोटल इनकम भी होता हुआ देखने को मिलता है।
हम अगर बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है 5 दिन में 1% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, 1 महीने में 3% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने की बात करें 2% का पॉजिटिव रिटर्न, ईयर टू डेट की बात करें तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी 71% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है, आपको जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।